नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल लेट्स एम कुमार पर। मैं मनोज कुमार आप सभी के साथ एक बार फिर से हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ये SUP सॉफ्ट गेम बॉक्स, जो कि 400 गेम आते हैं इसके अंदर। ये एक हैंड हैंडल वीडियो गेम है। जी हाँ, ये उस 90s के जमाने का वीडियो गेम है जो कि 90s के बच्चों ने अपने बचपन में खेले होंगे, लेकिन इसमें वो रेट्रो गेम्स है सारे, जो कि आप सभी में किसी न किसी ने बचपन में जरूर खेले होंगे और अब अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ गेम ढूंढ रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है इस गेम बॉक्स में। तो सबसे पहले मैं बॉक्स की बात कर लो तो बॉक्स कुछ इस प्रकार का है। सिंपल बॉक्स है, यहाँ पे जिसपे लिखा है ऊपर, यहाँ पे ब्रांड दिया हुआ है SUP गेम बॉक्स, सब गेम बॉक्स 400 और कुछ इस टाइप के ग्राफिक्स यहाँ पे बने हुए हैं। और इस साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें कंटेंट देखने को मिल जाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। एक गेमिंग कंसोल है, एक AV केबल मिल जाती है, एक DC केबल मिल जाती है और एक यूजर मैनुअल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी हम बॉक्स खोल के देखते हैं उसके अंदर क्या है। और दूसरी साइड यहाँ पे देखे तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये डिजिटल गेम है सिस्टम है, जो कि 3 इंच के LCD डिस्प्ले के साथ आता है, पोर्टेबल है, आप इसको TV में भी प्लग करके खेल सकते हैं। और इसमें लिथियम आयन की रिचार्जेबल बैटरी की, जो कि लगभग 6 घंटे का यहाँ पे बैकअप टाइम देता है। तो जल्दी से हम बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं आगे बॉक्स के अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है। तो भाई साहब, बॉक्स के अंदर ये कुछ कंटेंट है यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे चार्जिंग के लिए एक ये केबल दी हुई है, ये वाली केबल है, एक ये ऑडियो वीडियो केबल दी हुई है जो कि इस साइड से यहाँ पे इसमें पोर्ट दिया हुआ है, इसमें फिट होती है और ये ऑडियो वीडियो आपके जो TV में आता है उसमें लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पे यूजर मैनुअल दिया हुआ है कि आपको किस तरह से इसको यूज करना है। फाइनल ये आता है आपका जो गेम वीडियो गेम है वो। तो इस वीडियो गेम की देखिए आप, डिजाइन काफी अच्छा है, मतलब ये मेरे हाथ में इस समय आप देख सकते हैं कि इसकी जो उसे यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे आपको देखना मिल जाता है, ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये चार्जिंग के लिए ऑडियो वीडियो के लिए पोर्ट दिया हुआ है। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल के लिए वॉल्यूम कंट्रोल बटन दिया हुआ है। राइट साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है, नीचे भी कुछ भी नहीं है। फ्रंट की साइड बात करें तो यहाँ पे एक 3 इंच पे LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, जॉयस्टिक मिल जाता है, बटन डिसेंट क्वालिटी के हैं। हाँ, सुपर क्वालिटी नहीं है लेकिन डिसेंट क्वालिटी है। यहाँ पे एक रीसेट का बटन मिलता है, यहाँ पे AV और XY वाले जो स्विच है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे फ्रंट के अंदर ही स्पीकर ग्रिल है, जो कि गेम खेलते समय आपको फ्रंट से ही जो काफी बढ़िया यहाँ पे साउंड देखने को मिलता है, अभी हम इसको चला के देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टार्ट स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे एक सेलेक्ट का स्विच दिया हुआ है। पीछे की साइड बात करें तो यहाँ पे जो बैटरी कंपार्टमेंट है वो दिया हुआ है। और इसको खोल के देखे तो ये पुराने जमाने की जो नोकिया के फोनों में बैटरी आती थी BL5C, वो वाली 1020 एम्पीयर की जो है बैटरी दी हुई है। और इसको चार्ज होने में भाई साहब काफी टाइम लगता है, मैंने इसको चार्जिंग पर लगाया लेकिन अभी तक एक बार भी ये फुल चार्ज नहीं हुई है, ना ही इसमें चार्जिंग का इंडिकेटर आता है कि आखिर ये कितनी चार्ज है। फटाफट से मैं इसको ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे ऑन करते ही ये देखिए कुछ इस तरह से साउंड आ रहा है और यहाँ पे साउंड की आप लेवल है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी LCD है काफी ठीक ठाक है, मतलब देखने में ठीक लग रही है। हाँ, ऐसे सुपर तो नहीं है लेकिन हाँ अच्छी है गेम के हिसाब से। तो यहाँ पे 400 गेम है और गेम होने को 400 है लेकिन अराउंड 100 के आसपास गेम है, बाकी तो फिर बाद में रिपीट हुए होते रहते हैं। ये देखिए, तो सबसे फेवरेट गेम सबका मारियो चला के देखते हैं। मतलब भाई मजे आ रहे हैं वास्तव में, बचपन की यादें ताजा हो गई। और इसका बैकअप ठीक ठाक है, मतलब मैंने इसको घंटे भर खेल के देखा था, चल रहा था, वैसे ज्यादा तो फिर मैंने चेक नहीं किया। लेकिन वो बैकअप है वो डिपेंड करता है बैटरी कंडीशन में। आजकल क्या है, ये इस टाइप की बैटरियां हैं ये कम अवेलेबल होती है, तो चल जाए उतना ठीक है, नहीं तो आप बैटरी चेंज करा लीजिए, नई बैटरी डाल लीजिए, उसके बाद आपको बैकअप अच्छा मिल जाएगा। तो ये जो गेम वाले हैं ये इसको बोलते हैं कि लगभग ये आपको 6 घंटे का बैकअप देगा, तो ठीक है, आप इंजॉय कीजिए, चलाइए। तो चलिए मैं एक बार इसमें काउंट्रा भी खेल के देख लेते हूँ। ये हमारा पुराने जमाने वाला काउंट्रा। ओ भाई साहब, इतने साइज के काउंट्रा। यहाँ पे आप
ऑन करते हैं यहाँ पे दो लैंग्वेज के ऑप्शन आते हैं, चाइनीज के और इंग्लिश के। देख सकते हैं बहुत सारे गेम है, एक बार देख लीजिए आप नजर। तो ये ऑलमोस्ट ये 100 गेम है, इसके बाद ये फिर रिपीट हो जाते हैं। तो ये मेरा फेवरेट गेम है, बैडमिंटन में काफी खेला करता था, मतलब सारे गेम फेवरेट है बहुत ही। भाई साहब इंटरेस्टिंग है, मतलब इतनी छोटी सी स्क्रीन में गेम खेलना भाई साहब अलग ही एक अलग लेवल का मजा है। तो एक बहुत अच्छी चीज लगी। और इसकी जो प्राइस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 500 से 600 रुपए के अंदर आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाता है। इसमें एक वेरिएंट और आता है जिसके अंदर की इस पे कीबोर्ड भी अटैच होता है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि उसमें एक और गेम पैड है। काफी बढ़िया है यार, मतलब मैंने इसको बच्चों को गिफ्ट देने के हिसाब से मंगाया है। चलिए इसको टीवी में भी लगा के देखते हैं कि आखिर कैसे हम इसको खेल सकते हैं। तो मैंने अभी इसको टीवी में कनेक्ट कर दिया है और एक बार चलाते हैं। यहाँ टीवी में भी चल गया है भाई साहब। अरे वाह यार, टीवी में लगा के अभी आप इसके आनंद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मुझको है ना इसी से खेलना पड़ रहा है। या बटन थोड़े से इसके इस टाइप से हैं कि मतलब खेलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन क्वालिटी टीवी में ठीक है। इतने पास में खड़े रह के खेलना भी यार काफी बड़े गड़बड़े, क्योंकि ये देखो इतनी ही आ रही है। तो कुछ ऐसा है ये जो गेम बॉक्स है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप ये गेम बॉक्स लेने की सोच रहे हैं तो आप इसके लिए बेशक जा सकते हैं। अभी इसको यूज करके देखेंगे लॉन्ग टर्म पे इसका कैसे क्या रहता है। बाकी इनिशियल इंप्रेशन इसका काफी बढ़िया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।